हेलो एवरीवन, आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पठन अभियान कार्य पत्र 7 करेंगे। ये गतिविधि पत्रक है, एक्टिविटी वर्कशीट है 24 जनवरी की। ये क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए है। शेर और चूहा आज की हमारी नई कहानी रहने वाली है। तो ये कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी, तो आइए आज हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है, एक बार एक शेर होता है, वो हमारा पेड़ के नीचे सो रहा होता है। तो तभी क्या होता है, अचानक एक चूहा जो होता है वो छेद से अपने बाहर निकलता है, अपने बिल से बाहर निकलता है, और एकदम से जो शेर का शरीर होता है उस पे कूद जाता है। तो शेर क्या करता है, शेर को गुस्सा आ जाता है, उसकी नींद टूट जाती है, वो उसे पकड़ लेता है फिर, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो उसको छोड़ देता है। चूहे ने शेर को धन्यवाद दिया। फिर जो चूहा होता है वो शेर को धन्यवाद करता है और कहता है कि वह एक दिन शेर की मदद करेगा। तो इतना कह के वो चला जाता है। फिर एक दिन शेर जाल में फंस जाता है। तो जब शेर जाल में फंस जाता है, वहां एक चूहा आता है, वही चूहा वहां पर आता है और वो जाल को काट देता है। तब शेर जो है चूहे को शुक्रिया कहता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें जीवन में कोई भी छोटा हो बड़ा हो, सभी की अपनी अपनी अहमियत होती है। जैसे शेर ने सोचा होगा कि चूहा मेरी क्या मदद करेगा, पर चूहे ने उसकी जान बचा ली। तो इसी तरह से अपने से छोटा किसी को नहीं समझना चाहिए, ना जाने कब किसकी जरूरत पड़ जाए। तो आइए अब क्वेश्चंस को करते हैं। चूहे को शेर ने क्यों छोड़ दिया? तो चूहे को शेर ने इसलिए छोड़ दिया होगा क्योंकि उसको चूहे पर दया आ गई होगी। ये भी रीजन हो सकता है, वरना एक और रीजन हो सकता है कि चूहा एक दिन उसकी मदद कैसे करेगा वो देखना चाहता होगा शेर। शेर ने चूहे को शुक्रिया क्यों किया? तो शेर ने चूहे को शुक्रिया इसलिए किया क्योंकि चूहे ने शेर की जान बचाई थी। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे दूसरे प्रश्न का आंसर। तीसरा प्रश्न है, आपको अपनी कल्पना से आधारित कोई भी चित्र बनाना है शेर और चूहे का। तो जैसे चित्र मैंने बनाया, आप भी कोई चित्र बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की ये वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।